नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर भी हुए हैं, आज हम लोग स्पेशली जो है वो चर्चा करेंगे जो 19 सितंबर को आरएसएसबी द्वारा आयोजित किया गया है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए पेपर का। तो उस पेपर का आज हम लोग जो है वो आंसर की, एक प्रॉपर आंसर की तैयार करने की कोशिश करेंगे। और इस आंसर की के साथ जो है आप अपने प्रश्नों को मिलान कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग, जैसे कि आप लोग बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, या यूट्यूब पे भी मैंने कईयों को देखा है, मैसेज किया हुआ है बच्चों ने, आप लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग अपनी आंसर की तैयार करते हैं, पहले हम लोग अपने प्रश्न पत्रों को मिला लें कि हमारे प्रश्न पत्र में से कितने प्रश्न जो है हम लोग सही करके आ रहे हैं, हम कितने गलत करके आ रहे हैं। क्योंकि अगर रैंडमली देखा जाए तो जैसे ही प्रश्न पत्र हुआ था, प्रश्न पत्र होने के बाद जो फ़ोन कॉल रिसीव हुए हैं मुझे, मुझे लगता है 19 तारीख को शायद शाम तक जितने कॉल्स रिसीव हुए हैं, वो सभी बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरा 135 सही है, मेरा 125 सही है, मेरा 140 सही है। 142 वाले का भी एक YouTube पे ही, इसी चैनल पे एक वीडियो के अंदर जो है किसी ने कमेंट किया कि उसका 142 सही है। लेकिन बात करके आने की नहीं है कि आप कितना करके आए हुए हैं, आंसर की के साथ मिलान करके आप उसमें देखें कि आपका उसमें सही कितना हुआ है और कितना उसमें से गलत हो रहा है, तो यानी कि माइनस मार्किंग कितनी हो जाएगी। तो एक क्विक जो है हम लोग कंप्लीट पेपर जो हमारा 150 प्रश्नों का है, हम लोग उसके करेक्ट आंसर की जो है एक रूपरेखा आंसर की के रूप में तैयार करते हैं, देन उसके बाद हम कट ऑफ की बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं जो आंसर की आज मैं आपके सामने यहाँ पे ये जो आंसर की डिस्कस कर रही हूँ, आरएसएमएसएसबी लाइब्रेरियन जो 19 सितंबर 2020 को हुआ है, इस आंसर की को चार लोगों ने मिलकर के तैयार किया है। आर एस मेहरिया सर जो राजस्थान इतिहास के जो है वो विशेषज्ञ हैं और हमारे यहाँ के फैकल्टी भी हैं, राजस्थान ने तैयार किए 25 प्रश्नों का उत्तर उनके द्वारा तैयार किया गया है। राजस्थान का भूगोल दिनेश सर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, तो 25 क्वेश्चन जो राजस्थान के भूगोल का है उसके आंसर्स उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस जो आपका पुस्तकालय, विज्ञान से संबंधित जितने प्रश्न हैं और जितने कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं, ये स्वयं मेरे द्वारा और चेतराम सोमरा जी जो है एक लाइब्रेरी स्पेशलिस्ट हैं, जिनका नाम फैकल्टीज़ के नाम से तो नहीं आता क्योंकि उन्होंने जो है इस तरीके से एकेडमिक सेशन में पढ़ाने का कार्य नहीं किया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट सीरीज जो है जो पेड है हमारे एप्लीकेशन पे उसको परचेस कर रखे हैं, उनको ये पता होगा वो पेपर उन्होंने बना रखा था। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पेड टेस्ट सीरीज जो 5 प्रश्न पत्र थे हमारे 500 क्वेश्चन वाले, अगर आप उनमें मिलाएंगे तो फर्स्ट यूनिट के ही केवल 500 क्वेश्चन उसमें डाले गए थे। जिन बच्चों के पास वो होगा आप मिला लीजिएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 15 से 16 क्वेश्चन उनमें से हैं। यानी कि एक यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट का लगभग जो है हम लोग 150 प्रश्नों की बात करते हैं, तो 150 प्रश्नों में से 100 प्रश्न जो हमारे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से हैं, तो प्लस माइनस करके जो है वो 20 क्वेश्चन का एवरेज बैठता है एक यूनिट का। और 20 क्वेश्चन में से अगर कहीं से 15-16 क्वेश्चन अगर एक ही यूनिट से अगर आपका आ रहा है, तो आप सोच लीजिए कितनी अच्छी टेस्ट सीरीज होगी या कितना अच्छा कंटेंट देने वाले ने कंटेंट दिया है। तो चेतराम जी ने और मैंने मिलकर के लाइब्रेरी और कंप्यूटर के ऊपर जो है वो वर्क किया है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चंस को जो है वो 1 by 1 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपको विजिबल हो रहा होगा आई थिंक, मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ उसको। चलिए हम लोग जो है वो प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास जो सीरीज है उसमें पहला प्रश्न आ रहा है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। तो जो प्रश्न मेरे पेपर में नंबर 1 पे आ रहा है, आपके पेपर में हो सकता है किसी और नंबर पे हो, तो आप उसको क्विकली सर्च कर लें। और मैं आपको बता दूं जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में भी जो है वो शफलिंग देखी गई है, किसी प्रश्न पत्र में जो है वो एक नंबर जो मेरे में है हो सकता है वो, सॉरी, ए नंबर जो मेरे में है वो हो सकता है किसी और के पेपर में सी में हो सकता है किसी में बी में हो। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस के अंदर भी शफलिंग है, क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर भी शफलिंग है, इसलिए मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगी और उसका केवल करेक्ट आंसर पढ़ूंगी, तो आप केवल और केवल करेक्ट आंसर को टिक करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे, यानी कि विच पॉलिटिकल एजेंट वॉज किल्ड इन जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये होंगे मैक मोसन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मैक
मोशन। अब आपके में देख लीजिए, ए में है, बी में है, सी में है, किस में है मैक मोशन, जिसमें भी है आप वहां पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की विजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? After receiving the news of the fall of Dara in the Battle of Samugad, which Rajput ruler accepted the services of Aurangzeb? किसने accept किया था? महाराज जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह ने जो है ये accept किया था। Next आते हैं तीसरा, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, खेजड़ी tree is related to किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। कई बार जीके के प्रश्न जो राजस्थान इतिहास के प्रश्न पत्र हमने करवाए हैं उनमें ये प्रश्न जो है आ चुका है। नेक्स्ट, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती लैंग्वेज इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? ये होगा अलवर। ये प्रश्न भी हमारा टेस्ट सीरीज में किया हुआ है। अगले प्रश्न में आते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, ये प्रश्न भी किया हुआ है। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? द घूमर डांस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच फेस्टिवल? दैट इज गणगौर। गणगौर पर जो है वो घूमर नृत्य किया जाता है। कई बार ये प्रश्न जो है वो जीके के उसमें आ चुका है और हमने भी कई जो टेस्ट हमारे कराए हैं उनमें भी किया हुआ है। नेक्स्ट आइए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू विच पीरियड? ये होगा ताम्र कांस्य युग से संबंधित है हमारी गणेश्वर की सभ्यता। नेक्स्ट आइए, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? हु कंपोज्ड राज प्रशस्ति? रणछोड़ भट्ट ने जो है राज प्रशस्ति की रचना की थी। अगले प्रश्न पे आइए, देखिए अगला प्रश्न हो सकता है आप आपके पेपर में किसी और पेज पे है तो आप उसको सर्च कर लें। नेक्स्ट आइए, आठवां प्रश्न है मेरे प्रश्न पत्र में, आपके प्रश्न पत्र में हो सकता है कोई और नंबर हो। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल इज द स्टाइल ऑफ फोक थिएटर ऑफ विच रीजन ऑफ राजस्थान? किस रीजन का है? तो ये होगा अलवर। आप टिक कर ले अलवर। देख नेक्स्ट, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? वेयर इज मूसी महारानी की छतरी लोकेटेड? कहाँ पे होगा? इसका आंसर भी होगा अलवर। अगला प्रश्न आइए, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? विच रूरल पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग? किसके? सवाई प्रताप सिंह जी के। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह जी के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? विच रूरल ऑफ जोधपुर वॉन्टेड टू कीप हिज स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट? कौन रखना चाहते थे? महाराज हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह जो है इसको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। अगला प्रश्न आइए, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? विथ विच मोमेंट इज कालीबाई एसोसिएटेड इन राजस्थान? रस्तापाल आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रस्तापाल आंदोलन। अगला प्रश्न आइए, राजस्थान में पावाड़ा का मतलब है? पावाड़ा इन राजस्थानी मीन्स क्या मतलब है इसका? लोक गाथा। ठीक है, ये हमारे जो है 13 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, थोड़ा बड़ा कर देती हूं। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? सीताराम साधु इज एसोसिएटेड विथ विच प्रेजेंट मूवमेंट? किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो बिजौलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? विच रूरल ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डेंसिटी ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मंडोर टू मेड़ता? किसने की थी? नाग भट्ट ने। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था?
हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड जीवन कुटीर के गीत किसने लिखा था? हीरा लाल शास्त्री ने लिखा था। ठीक है, हीरा लाल शास्त्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत दरियाव जी वॉज द फाउंडर ऑफ विच ब्रांच ऑफ राम स्नेही सेक्ट किसके थे ये? रैंड शाखा के। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू कानन मेला? ये होगा आपका बाड़मेर। क्या होगा? ये होगा आपका बाड़मेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज भीमलाव विक्ट्री पिलर लोकेटेड? किस डिस्ट्रिक्ट में है? भरतपुर में है। अगला प्रश्न, आइए सर्च कर लें आप, आपके हो सकता है किसी और पेज पे ये क्वेश्चन हो। 20वां क्वेश्चन है, हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? अकॉर्डिंग टू द हम्मीर रासो व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ रणथंभौर फोर्ट? क्या नाम था? रण स्तंभपुर। इसका नाम क्या था? रण स्तंभपुर। नेक्स्ट आइए, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी कौन थी? हु इज रिलेटेड टू वनस्थली विद्यापीठ? रतन शास्त्री। नेक्स्ट आइए, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट मेहरानगढ़ फोर्ट ऑफ जोधपुर? किसने करवाया था? राव जोधा ने। देखिए ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन कितने वन, मैंने जो है जब आपको पेपर हुआ था और एक वीडियो रिलीज किया था उसमें मैंने ये शब्द यूज किया था कि बिल्कुल फैक्ट बेसिस और वन लाइनर टाइप क्वेश्चन थे। अब आप बताओ मेरे को इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा आपको लगा जो बिल्कुल घुमा हुआ हो? कोई सा भी क्वेश्चन घुमा नहीं है, फैक्ट पे आधारित है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैंने बोला था कि ये बहुत इजी पेपर था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ये ठीक ठीक 100 एंड 100 पेपर था। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टफ ये पेपर नहीं था। देखिए कितने डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न, देश हितेशणी सभा को स्थापित की गई थी, कब की गई थी? देश हितेशणी सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश की गई थी? 2 जुलाई 1877 में। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फ्रॉम साइड ऑफ ब्रिटिश वाइल साइनिंग ट्रेटरीज विथ राजपूत स्टेट? कौन थे? मैटकॉफ। और हिस्ट्री का ये लास्ट प्रश्न है, यानी कि 25वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड राजस्थान? माणिक्य लाल वर्मा जी जो है वो थे। अब ये जो 25 प्रश्न हैं बिल्कुल फैक्ट के ऊपर थे, इनमें कहीं भी आपको किसी भी तरीके से घुमा हुआ प्रश्न नहीं दिखा, कहीं पर भी किसी भी तरीके से इनडायरेक्ट प्रश्न नहीं दिखा, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, सारे फैक्ट के ऊपर हैं, जो कहीं ना कहीं पेपर्स में जो है वो कराए गए थे आपको। ठीक है ना, लगभग सारे प्रश्न जो है वो कराए हुए ही हैं। अब आप नहीं करके आए एग्जाम में तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है और आपकी गलतियों में ये काउंट होगा अगर आप नहीं करके आए हैं तो। ठीक है, चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? ठीक है, इसका आंसर होगा रणथंभौर। क्वेश्चन क्या था? इन विच नेशनल पार्क सेंचुरी जोगी महल इज सिचुएटेड? क्या होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? विच सॉयल इज द बेस्ट यील्डेड ऑफ ग्राउंड नट इन राजस्थान? कौन सी मृदा होगी? जलोढ़ मृदा होगी। ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि राजस्थान में मूंगफली सर्वाधिक होती है। पता है आपको? नहीं पता है?
बाजरे के बाद जो है मूंगफली, मुझे लगता है बाजरा और चने के बाद जो है मूंगफली जो है वो सर्वाधिक होती है, और स्पेशली इधर जयपुर से लोकेटेड जो आसपास के एरिया हैं इधर तो मूंगफली काफ़ी ज़्यादा सुनने में आती है, लोग जो है डालते हैं अपने खेतों में। नेक्स्ट 28वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बर्बरी एक प्रजाति है, बर्बरी इज अ ब्रीड ऑफ, क्या है? बकरी की एक प्रजाति है। ये क्वेश्चन जो है मुझे ध्यान है टेस्ट सीरीज में मैंने दिया था। नेक्स्ट आइए, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टान से मिलता है? इन विच रॉक फेल्सपार मिनरल इज फाउंडेड, किससे मिलता है? ग्रेनाइट से मिलता है। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, कहाँ स्थित है? जयपुर। पता है आपको? नहीं पता है, कभी घूमे आप जयपुर अगर घूमेंगे तो आपको पता चलेगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, जवाहर सर्किल के पास में। नेक्स्ट आइए, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? विच इज द बेस्ट कंजर्वेशन टेक्निक ऑफ डिजर्टिफिकेशन, कौन सी होगी? वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल डेजर्ट पार्क राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज जीवाश्म पार्क। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये प्रश्न जो है कुछ बच्चों ने जो है वो आंसर की कहीं कहीं से मिला ही है, एंड ये प्रश्न जो है पढ़ने में या तो चूक गए हैं या फिर करने में वो चूक गए हैं, इस प्रश्न को जो है गलत करके आ गए हैं। यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है लिखा हुआ है, और लोग जो है वो सुमेलित वाले करके आ गए, और कई बच्चों के तो इनफैक्ट मेरे पास ये भी आया कि मैम हमारे तो ये भी सही हो रहा था, दो तीन ऑप्शन उसमें सही हो रहे थे, कौन से सही लगाएं। एंड क्वेश्चन जब देखा गया तो यस ऑब्वियसली जब क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो नहीं है, में अगर कोई एक है तो उसके अलावा बाकी अगर हैं आप कंसिडर कर रहे हैं तो सभी सही होंगे। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है माही और साबरमती, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा जो है ये एक्चुअली पेपर के अंदर ये प्रिंट है, इस वजह से पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस क्वेश्चन को। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में निम्न में सम्मिलित हैं, यानी कि सेमी एंड स्ट्रीम प्लेन एग्रो क्लाइमेट सब जोन इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स कहाँ पे हैं? जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। ठीक है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में ये चार जो है वो जिला सम्मिलित हैं, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। नेक्स्ट आइए, 35वां नंबर का प्रश्न जो है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? वॉट इज द न्यू नेम ऑफ गजनेर लिफ्ट कैनाल? ये है पन्ना लाल, पन्ना लाल दारूपाल लिफ्ट नहर, पन्ना लाल दारूपाल लिफ्ट नहर। थोड़ा सा ये धुंधला सा हो रहा है, इस वजह से देखने में दिक्कत हो रही थी। चलिए नेक्स्ट, अगले पे आते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा करती हूँ इसको। देखिए ये वाला पेज जो है वो कुछ ज़्यादा ही धुंधला पीडीएफ में आया हुआ है, तो मैं पेपर में से ही पढ़ के करा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान? इसमें आएगा जाखम। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क सेंचुरी आउट ऑफ फॉलोइंग, कौन सा है? कैला देवी अभयारण्य। ठीक है, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, बहुत सारे बच्चे सरिस्का करके आ रहे हैं, जबकि कैला देवी इसका करेक्ट आंसर है, 672.82 किलोमीटर के अंदर ये है। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? द मोस्ट बेनिफिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फ्रॉम भीखाबाई सागवाड़ा कैनाल इज, क्या है? डूंगरपुर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक
फेल्सपार उत्पादन उत्पादक जिला है. लार्जेस्ट फेल्सपार प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज अजमेर. नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है. एट विच प्लेस इन राजस्थान द सेंट्रल शीप ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड. कहाँ पे है? अंबिकानगर. बहुत धुंधला आ रहा है ये पेपर में, विजिबल नहीं हो रहा है. चलिए अंबिकानगर. नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज द ओल्डेस्ट इरिगेशन कैनाल प्रोजेक्ट इन राजस्थान. कौन सी है? गंग नहर. ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है. 23 डिग्री 3 उत्तरी. ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हैरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट अपलैंड इज रिकग्नाइज्ड बाय मिस्टर हैरोन एज टर्शरी पेनीप्लेन. किस कौन सा है? बनास मैदान. ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं. विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स मैक्सिमम डस्ट स्टॉर्म इन द मंथ ऑफ जून जुलाई. तो गंगानगर. अगला प्रश्न है, 45वां प्रश्न है मेरे पास, आप भी देखें आपके पास कौन से नंबर पे आ रहा है. राजस्थान के नागौर पाली जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है. विच टाइप ऑफ सॉल इज मेनली फाउंड इन नागौर पाली जोधपुर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. कौन सी मिट्टी है? बलुई मृदा मरुस्थली मृदा. ठीक है, नेक्स्ट अगले पेज पे हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं. 46वें नंबर का क्वेश्चन है मेरे पास, आप अपने यहाँ चेक करें कौन सा नंबर है. नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है. द मोस्ट बेनिफिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फ्रॉम नर्मदा प्रोजेक्ट इज बाड़मेर. कौन सा जिला है लाभान्वित? बाड़मेर. नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है. रातानाड़ा एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन जोधपुर. ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है. कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तलवारा गंगा नहर, ये सुमेलित नहीं है. अगले प्रश्न पे आते हैं, बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है. इन विच सेंचुरी इज बंसवाड़ा हिल सिचुएटेड. कौन से में है? सज्जनगढ़ अभयारण्य. अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है. कहाँ पे? द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर इज इन इंडिया इज लोकेटेड एट. कहाँ पे है ये? बीकानेर में है. ये हमारा आंसर है. तो ये हमारे जो है वो 50 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित, राजस्थान इतिहास से संबंधित, और 50 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल से संबंधित, ये हमने कर लिया. अब हम आते हैं जो हमारे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस है, टिपिकल इन द सेंस कि राजस्थान का जीके जो मैंने आपको अभी आंसर की दिया है, इनमें कहीं पे भी आपको जो है आंसर कीज में विषमताएं नजर नहीं आएंगी. यानी कि ये क्वेश्चन आप कहीं पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके ऑप्शंस भी आपको करेक्टली मिल जाएंगे, मिसमैचिंग आपको नहीं मिलेगी. लेकिन अब जो आगे के 100 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, उन 100 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ही विषमताएँ आपको दिखेंगी, और 100 में से मुझे लगता है शायद 15-20 क्वेश्चन आपको जो है कहीं ना कहीं वेरिएशन में डालेंगे ऑप्शंस के हिसाब से. जो किसी किताब में कुछ होगा, किसी किताब में कुछ होगा. इवन अभी आंसर की भी निकाली गई है सभी लोगों के द्वारा, बहुत सारे टीचर्स ने भी निकाले हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स ने भी निकाले होंगे. तो अगर आप उनसे भी उनका मिलान करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 10-15 क्वेश्चंस का वेरिएशन वहां पे भी मिलेगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है. ठीक है, द टर्म इवेल्युएशन इन लाइब्रेरी साइंस इज नोन. किससे तात्पर्य है? इसका ऑप्शन होगा
मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन से तात्पर्य है इसका। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, उपभोक्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? What is third one in the tertiary, the library along with users and documents? कौन सा है? तो वहां का कर्मचारी, यानी कि पुस्तकालय है और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन दोनों के अलावा वहां पे कौन इम्पोर्टेंट है? तो वहां के कर्मचारी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि वहां पे जो है वो पुस्तकालय अध्यक्ष, क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्ष का आप पेपर दे के आए हैं तो आपका दिमाग जो है कई लोगों का पुस्तकालय अध्यक्ष पे गया है, और टिक करने वाले जो मुझे लगता है जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं थी, ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो पुस्तकालय अध्यक्ष पे करके आए, जबकि ऐसा नहीं होता। पुस्तकालय अध्यक्ष भी एक कर्मचारी ही होता है, ठीक है? पुस्तकालय अध्यक्ष भी एक कर्मचारी ही होता है, तो कर्मचारी वहां पे होगा। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज निम्न में से किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज फॉल अंडर विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किस प्रकार का है? तृतीयक सोर्स है, ठीक है, तृतीयक सोर्स है। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है, गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? द गजट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, किस प्रकार की सूचना देता है गजट? सरकारी आदेश और सूचनाओं की, क्योंकि गैजेट जो होता है, गैजेटियर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा ही उसको आपके समक्ष रखा जाता है। अगला प्रश्न है, उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जाता है? वॉट इज कॉल्ड रेडी रेफरेंस सोर्स विच कैन बी रेफर्ड फॉर गाइडेंस इन एनी ऑक्यूपेशन, आर्ट और स्टडी? क्या होता है उसे? हम कहते हैं मैनुअल। क्या कहते हैं हम लोग उसे? हम मैनुअल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई, कब की गई? बिल्कुल फैक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, सन 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन 1933। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी किसी तरीके का घुमाव फिराव नहीं है। नेक्स्ट आइए, एब्गिला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि एब्गिला इज एन एक्रोनॉम यूज्ड फॉर, किसके लिए है ये? तो ये होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, एनल्स बुलेटिन तथा ग्रंथालय के लिए, ठीक है, एनल बुलेटिन तथा ग्रंथालय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, ये कथन किसका है? लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस वॉज स्टेट्स बाय, किसके द्वारा ये कहा गया? राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा जो है ये कहा गया। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है, डेवलपिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज प्राइमरी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ, किसका है? सार्वजनिक पुस्तकालय का, ठीक है। जब आप सार्वजनिक की बात करते हैं, सार्वजनिक को यहाँ से डेमोक्रेटिक से भी जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, और आप इसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे अगर आप पढ़ करके नहीं गए हैं तो भी। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमने पढ़ा नहीं होता है या हमने तैयार नहीं किया होता है, लेकिन कई बार प्रश्न में ही हमारे जो है वो ऑप्शंस जो है वो दिखाई दे जाते हैं या उनका अर्थ हमें ऑप्शन में ही नज़र आ जाता है, तो ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है। अगले प्रश्न में आते हैं, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमंग द लाइब्रेरीज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? पुस्तकालय नेटवर्किंग, ठीक है। अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, AACR सेकंड कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सेमी कोलन। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, कहीं से घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं है। कई बच्चों ने जो है वो
कुछ बच्चों ने जो है वो मेरे को, अभी मैं कल ही पढ़ रही थी, यूट्यूब पे ही कमेंट किया है कि आप कैसे कह सकती हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर और फैक्ट बेसिस। आप खुद क्वेश्चंस को पढ़िए, आपको क्वेश्चन खुद ही समझ में आ जाएगा। इनमें कोई भी क्वेश्चन घुमा हुआ है नहीं है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। डीडीसी 19th एडिशन इज स्कीम, कौन से स्कीम में है? डीडीसी 19वें संस्करण कौन सी पद्धति है? तो ये है लगभग परिगणनात्मक, लगभग परिगणनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह किसको प्रदर्शित करते हैं? इन चेन प्रोसीजर कनेक्टिंग सिंबल्स रिप्रेजेंट किसको प्रेजेंट करता है? मिथ्या कड़ी को। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है जो नंबर लिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका का, उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, बट फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ इससे देख करके। द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन में द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये होगा 1933, ठीक है, प्रथम संस्करण आया था 1933 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सर्वाधिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रामक संख्या, ठीक है, कॉल नंबर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है, प्रबंधन के तीन स्तर कौन से हैं? वॉट आर द थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो प्रबंधन के जो तीन स्तर होते हैं वो होते हैं शीर्ष, मध्य और निम्न, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, यही होते हैं। तीन लेवल कौन से होते हैं? प्रबंध के तीन लेवल कौन से होते हैं? शीर्ष, मध्य और निम्न। अब इसमें कई बच्चों ने जो है वो क्वेरी की थी, वो ये सोच रहे थे इसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन भी आता है, जैसे कि ये बच्चे ने भी लिखा हुआ है टॉप, मीडियम एंड ऑपरेशनल लेवल। ऐसा कोई लेवल नहीं होता, प्रबंध के जब लेवल्स पे जाएंगे तो तीन ही लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, यानी कि आपका जो है उच्च स्तरीय, मध्यम वर्ग और निम्न, जो तो तीन ही होते हैं। आप कईयों को देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो है ये वाला ऑप्शन करके आए हैं, शीर्ष, मध्यम और प्रबंधक, ठीक है, शीर्ष, मध्यम और प्रबंधक। मैं आपको बता दूं, जो प्रबंधक होता है यानी कि जो मैनेजमेंट का जो अथॉरिटाइज पर्सन होता है, जो प्रबंध करता है, जो मैनेज करता है, ही इज ऑल्सो इन शीर्ष, ये वाले में वो आता है। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता है। तीन स्तर हमारे कौन से होते हैं? शीर्ष, मध्य और निम्न, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा बहुत वैसे हो रहा है क्वेश्चन, आप एक बार देखें, मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ। निम्न में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है? तो ये कथन जो है वो कटर का है, C.A. कटर का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा के बीच समय एक महत्वपूर्ण घटक होता है? तो ये होता है प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा के बीच। नेक्स्ट आइए, प्रति माह के शोध ग्रंथ एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है, थोड़ा इसको ऊपर करूं मैं, यूनिवर्सिटी न्यूज से, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक हैं कौन है? निस्केयर। बिल्कुल फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ये तो कई बार हमारे कोचिंग के भी जो टेस्ट कराए जाते हैं ना, उनमें भी कई बार दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, ऐसे स्रोत जिसमें वर्तमान में जानकारी विवरण और सांख्यिकीय रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? हम पंचांग उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न, वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? द वर्चुअल लाइब्रेरी इज द आउटपुट ऑफ, किसका निष्कर्ष है ये है, इसमें जो है इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। यहां नेटवर्किंग भी जो है हो सकता है, कंप्यूटराइजेशन भी हो सकता है। तो अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 17,
सॉरी 73, ये थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्बिंग क्वेश्चन हो सकता है। इसके ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं एक बार हम लोगों को वेट कर लेना चाहिए कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है वो किसको मानता है। इनमें जो है नेटवर्किंग भी आंसर आ सकता है और कंप्यूटराइजेशन भी इसका आंसर आ सकता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, डॉस यूनिक्स विंडो आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि डॉस यूनिक्स विंडो किसके उदाहरण हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब इसको अगर कोई बोले कि बहुत टफ पेपर था तो भाई फिर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देख करके और आप कहते हैं कि आपका पेपर बहुत टफ था तो इसका मतलब आपने फिर पढ़ाई नहीं की, आपने तैयारी नहीं की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 75 में आते हैं। पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है वो लग रहा है। अगर आप देखें, व्हाट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इन द फंक्शंस, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज इन द लाइब्रेरीज। अगर हम लोग इस ऑप्शन पे जाएं और पुस्तकालय विज्ञान की जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं या लाइब्रेरी के टीचर्स के पास अगर हम लोग जाएं तो वो इसे कहते हैं कि ये स्वचालन है। ठीक है, जबकि अगर कंप्यूटर के किसी टीचर से आप कॉन्टैक्ट करें उनके और कंप्यूटर के फील्ड में अगर हम लोग ये क्वेश्चन को लेने की कोशिश करें तो ये क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो फंक्शंस भी हो रहे हैं, एक्टिविटीज भी चल रही हैं और सर्विसेज भी वो दे रहा है, तो ये क्या है, कंप्यूटर का संचालन हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो स्वचालन कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, संचालन कह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, जिसके ऑप्शंस का हमें जो है वो बोर्ड की आंसर की के लिए वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75, आप इसको एक बार, आप लोग इसको भी पेंडिंग रखें। ठीक है, नेक्स्ट आए 76 नंबर पे आते हैं। ओपेक का पूरा रूप है, ठीक है, ओपेक का पूरा रूप है क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 23rd। नेक्स्ट है, एमबीओ का पूर्ण रूप क्या है। एमबीओ का पूर्ण रूप होता है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, कई स्टूडेंट्स जो है मैनेजमेंट बाई ऑर्गेनाइजेशन करके आए जो कि गलत है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, एमबीओ। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न, एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक टू अ रीडर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, SDI, इसे हम कहेंगे SDI। अगला प्रश्न, नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है। इनिशिएशन ऑफ फ्रेशमैन इज कंसर्न विथ, कौन से डिपार्टमेंट से है, संदर्भ विभाग से। ठीक है, रेफरेंस सेक्शन से जो है ये संबंधित होता है। नेक्स्ट आइए, इन INB फुल बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आर गिवन अंडर ईच एंट्री इन द विच सेक्शन, यानी कि INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण किस अनुभाग में दी जाती है, तो ये दी जाती है वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाइड अनुभाग में। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यतम एवं अधिकतम तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज थ्री थियरीज ऑफ रेफरेंसेस सर्विसेज, नेमली मिनिमल, मेडिंग एंड मैक्सिमम, किसके द्वारा की गई थी, रोथस्टैन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है, जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया। हु इज द ऑथर ऑफ बेसिक रेफरेंस सोर्स पब्लिश फ्रॉम ALA शिकागो इन 1954, लुइस सोर्स, कौन है, लुइस सोर्स। नेक्स्ट है, निम्न में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ लेक्सिकॉन, ये होता है शब्दकोश, विभिन्न शब्दों का जो एक
अक्यूमुलेटिव जो पार्ट होता है, जो संग्रहण होता है, उसे ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, लेक्सिकॉन। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, लेखन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? राइटिंग सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन मिश्रवासियों के द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान के पांच सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुआ? फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट पब्लिश इन, कब प्रकाशित हुआ था? 1931। अगले प्रश्न में आते हैं, सूचना की वृद्धि प्रबंध की सीमा से बाहर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड मैनेजेबल लिमिट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? सूचना विस्फोट, आपके बिल्कुल हाथ में ही नहीं रहे और सीमा से बाहर हो जाए, आप उसको मैनेज ना कर पाए, इसे क्या कहते हैं? सूचना विस्फोट। नेक्स्ट, इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट एट, कहाँ पे था ये? एडिनबर्थ, ठीक है, जिस समय एस्टेब्लिश हुआ था उस समय पे कहाँ पे था? एडिनबर्थ में। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न है, यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? यूनिसिस्ट प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाई, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? यूनेस्को। अगला प्रश्न है, छात्र अध्यापक और शोध छात्र, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ आंसर। छात्र अध्यापक और शोध छात्र ये कौन से पुस्तकालय के उपभोक्ता है? यानी कि द स्टूडेंट्स टीचर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स आर द यूजर्स ऑफ, देखिए शासकीय तो हो नहीं सकता क्योंकि शासन वाले क्षेत्र में हम है नहीं, हम बात कर रहे हैं अध्यापकों की और छात्रों की। शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक में भी सभी आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे छात्रों को कहा गया है, ना तो यहाँ पे अडल्ट्स की बात की गई है, ना महिला की बात की गई है, ना वृद्धों की बात की गई है, किसी भी तरीके का इस तरीके से डिफाइन नहीं है। यहाँ पे जो डिफाइन है वो है छात्र अध्यापक और शोध। तो यहाँ पे जो है कुछ बच्चे विद्यालय करके आए हैं, उनका ये मानना है कि छात्र और अध्यापक है इसलिए विद्यालय होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विद्यालय इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शोध छात्रों की बात की गई, यानी कि रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं, जो रिसर्च में अपनी जो है वो दक्षता हासिल करना चाह रहे हैं या रिसर्च के फील्ड में अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो विद्यालय पुस्तकालय में नहीं आते, वो किस में आते हैं? शैक्षणिक पुस्तकालयों में आते हैं। तो शैक्षणिक पुस्तकालय जो होते हैं, अकेडमिक जो लाइब्रेरीज होती है, वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी होते हैं और वहाँ पे जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो भी वहाँ पे आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन था, 91 पे आते हैं, पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल्स ऑन द लाइब्रेरी सेल्फ इज कॉल्ड आउट बाय, किसके अनुसार किया जाता है? हम उसका क्या करते हैं, अलग अलग सेल्फों पे जो रखते हैं उसको हम रख रखाव अनुभाग के द्वारा जो है वो व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट आइए, संग्रह विकास किसका कार्य है? यानी कि कलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ, किसका है? अर्जन विभाग का कार्य होता है, ठीक है, एक्विजिशन सेक्शन जो होता है उसका कार्य है संग्रह विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ब्राउने प्रणाली में कितने प्रपत्रों का उपयोग किया जाता है? हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन ब्राउने सिस्टम, कितने होते हैं? दो पत्रक, ठीक है, टू कार्ड्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ISBN का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ ISBN इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये भी करेक्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, ये भी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है, इसके अंदर जो है ये भी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ये भी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अब कमीशन जो है किस ऑप्शन को रखती है, किस ऑप्शन को मानती है, ये हमें एक बार चेक करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 95 पे आते हैं, तो अभी तक जो है शायद हमने कंफ्यूजन वाले कितने क्वेश्चंस देख लिए, तीन क्वेश्चंस देख लिए, है ना, आप लोग थोड़ा सा देखते चलिएगा, तीन क्वेश्चन हमारे कंफ्यूजन वाले हो गए। नेक्स्ट 95 नंबर पे देखिए, संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक थे, कौन थे? द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा है?
फेओल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। पुस्तकालय का बजट के लिए तैयार किया जाता है, पुस्तकालय का जो बजट होता है वो किसके लिए तैयार किया जाता है? जो आने वाला हमारा साल होता है जिसमें हमें खर्च करना होता है, उसके हिसाब से जो है वो बजट तैयार किया जाता है। तो आने वाले जो टाइम होते हैं उनके हिसाब से ये बजट तैयार किया जाता है, तो आगामी वर्षों के लिए हो गया। नेक्स्ट आइए, निम्न में से PPVS यानी कि बजट निर्माण की एक विधि होती है, उसका विकास या प्रतिपादन किसने किया था? तो ये R.S. McNamara ने किया था। ठीक है, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? R.S. McNamara ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वर्ष के बजट के बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी को क्या माना जाता है? पूर्ण रूप से शून्य आधारित बजट माना जाता है, जिसमें आप पहले का कोई एनालिसिस ही नहीं करें, पहले का जाने ही नहीं कि कितना था, क्या खर्च हुआ था, और आगे का अगर आप बनाते हैं तो उसे जो है वो शून्य आधारित बजट कहा जाता है। ये तो नॉर्मल, अगर आप पुस्तकालय में भी ना पढ़ें और इतना ज्ञान अगर आप रखते हो प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? वॉट इज द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी? ये होता है परिग्रहण पंजिका। ठीक है, परिग्रहण पंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICOLC का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ ICOLC का पूर्ण रूप है। देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग किताबों में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्निया कुछ लोग ये भी कहते हैं, इंडियन कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्निया कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्निया कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, यानी कि अलग अलग पुस्तकों में जो है वो अलग अलग आपको इसका आंसर मिलेगा। पुस्तकों की ही नहीं, अगर आप आंसर की मिलाएंगे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की, अलग अलग टीचर्स की, तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के भी जो है इस क्वेश्चन के रिएक्शन या इस क्वेश्चन के ऑप्शन या इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट आया हुआ है। कमीशन किसको मानता है, इसे हम लोगों को इसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो, ये भी जो है थोड़ा सा हम लोग एक डाउटफुल उसमें रखेंगे, कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है ना, इसका जो आंसर है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्निया कुछ लोग ये बोल रहे हैं, इंडियन कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्निया कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्निया ये भी बोल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हम लोग छोड़ते हैं, कमीशन क्या मानती है एक बार उस पर देखेंगे। तो देखिए, हमारे चार क्वेश्चन ऐसे हो गए जो डाउटफुल हैं। नेक्स्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है? कौन सा बतलाता है? पोस्टकार। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इत्मीनान से, मतलब बिना पढ़े लिखे रिवीजन किए भी अगर आप गए होंगे तो भी आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन, द फुल नेम ऑफ OSI इन नेटवर्क इज, यानी कि नेटवर्क में OSI का फुल नाम क्या होता है? ये होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट आइए, बेविज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था, कब किया गया था? 1836 AD में। नेक्स्ट है, रैम कंप्यूटर की क्या है? यह है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है। अगला प्रश्न आइए, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? कंप्यूटर कैन बी यूज्ड प्रलेखों के संग्रहण के लिए किया जाता है, कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, इन सभी के लिए, ये सभी इसमें करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हर्ट ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय, कौन सा कंप्यूटर का हृदय है? अब इसमें भी जो है मैक्सिमम जगहों पे जो है वो CPU आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हर्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है।
ठीक है ना, हार्ट ऑफ कंप्यूटर अगर हम लोग देखें, सीपीयू अगर हम लोग देखें तो सीपीयू को हार्ट ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे दिखाया गया, बट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर भी अगेन जो है वो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों ही जो है वो पार्ट होते हैं कंप्यूटर को जो है चलाने के लिए। इस वजह से इन दोनों को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। अब कमीशन किसको हृदय मानती है, क्योंकि ये भी जो है इसका पार्ट ही होता है, ठीक है ना। प्रोसेसर्स जो है वो कहां पे होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही तो होते हैं। तो अगर ये डिफाइन नहीं करता, अगर यहां पे इसको नहीं डाला जाता तो सीधा सीधा जो है वो सीपीयू आंसर हो जाता। लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर भी यहां पे ऑप्शन में है तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। तो अगेन जो है ये भी हमारा एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में जाएगा कि कमीशन किसको मानती है, ठीक है ना, कमीशन किसको मानती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 106 में भी जो है आपत्ति दी जा सकती है कमीशन के जो है वो कौन से ऑप्शन माने उसके बेसिस पे। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के संयोजन से ई शोध सिंधु कंसोर्निया का निर्माण हुआ। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा यूजीसी, इन्फोनेट, डीएलसी, एनलिस तथा इंडेस AICTE के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता रहता है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी ग्रोज एंड ग्रोज एंडलेसली। किस नियम के द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया पंचम नियम के द्वारा, यानी कि पांचवें लॉ के द्वारा। नेक्स्ट आइए, शोध गंगा कोश है, शोध गंगा इज द रिपोजिटरी ऑफ किसका कोश है, ई थीसिस का, ठीक है ना, शोध गंगा जो है ई थीसिस का कोश है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन, मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी है, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज, क्या है, सांख्यिकी और वर्णात्मक। ठीक है, क्या होता है, मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी होती है वो क्या होती है, सांख्यिकीय बेस्ड ही होती है और वर्णात्मक भी होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, WIPO का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIPO, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारे लाइब्रेरी साइंस के संदर्भ में इसका फुल फॉर्म जो है ये होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है, कौन सा समूह होगा, फोर्थ होगा इफ्ला, आईएलए, यूनेस्को, RRRLF। ठीक है, ये होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पंच कार्डेड कार्ड, हरमैन हार्रिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन किसी का गलत होता है तो फिर उसे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग का टॉपिक है कंप्यूटर, अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप थोड़ा भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको वही मिल जाएगा, हिस्ट्री से संबंधित है ये और फैक्ट के ऊपर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये याद ही करने वाली चीज़ है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। किसने बनाया था ये तो स्कूल टाइम में अगर आप थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट को आज आप पूछेंगे तो शायद वो भी बता देगा, उसकी भी किताबों में ये होता है। तो चार्ल्स बेबेज जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में प्रत्येक समूह के तीन प्रकार के मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक लैंग्वेजेस आर यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और उच्च स्तर की जो भाषाएं होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा जो है ये भी बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो देने लायक नहीं होते हैं, नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पास आया है। और अगर आप ये कहते हैं कि बहुत टफ लेवल था, बहुत कठिन था, तो आप देख लीजिए, मतलब कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक आते हैं कोई भी बता देगा, 0 एंड 1 दो ही होते हैं ये,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त होता है? कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त होता है? आजकल पुस्तकालयों तो क्या, आप कहीं पे भी देख लीजिए, जहाँ पे भी जो है टेक्नोलॉजिकल और कंप्यूटराइज सिस्टम हो गए हैं और जहाँ पे भी कंप्यूटर को ही आधार मान के कार्य किया जाता है, हर जगह जो है वो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए। वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टियों दस्तावेजों के बारे में समान जानकारी ले जाते हैं को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एकक प्रपत्र, यानी कि यूनिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, दशा संबंध दो या दो से अधिक विषय और किसके साथ के संयोग से होता है? एकल विचारधारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए। रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत यानी कि डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कार्य के तीन स्तरों द्वारा जाना जाता है। कौन से तीन स्तर हैं वो? ये तीन स्तर हैं, वैचारिक, शाब्दिक एवं अंकन स्तर। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न। सीसी के सातवें संस्करण का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था DRCT। और कुछ जगहों पे आप कुछ किताबों में जो है वो शारदा रंगनाथन को भी पाएंगे, बट मैक्सिमम जगहों पे, मैक्सिमम किताबों में, क्वेश्चंस में जो है वो DRTC ही मैंने देखा है। तो ये भी जो है अगेन एक क्वेश्चन मार्क लग गया, इसको भी जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग राइटर्स जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर अलग ही बता रहे हैं। इनफैक्ट आंसर कीज में भी जो है वो वेरिएशन आई है। तो क्वेश्चन नंबर 122, अब कमीशन किसको जो है वो करेक्ट मानता है ये देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न। 123 नंबर है मेरे पास, आपके पास, आप देखें आपके किस नंबर पे है। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968-80 का संपादक कौन है? ये हैं डेविड एल सिल्स। नेक्स्ट है, निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो एक क्षण में ही पूर्ण हो जाती है? तो एक क्षण की जहां हम बात करते हैं वहां पे अल्पकालीन त्वरित सेवा ही आती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो मुझे लगते हैं कि कॉमन सेंस यूज करने से भी आप सही करके आ सकते थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करते तो भी आप बहुत सही करके आ सकते हैं। समाचार पत्रों की कतरन सूचना सेवा का एक प्रकार है, कौन सी सूचना सेवा का एक प्रकार होता है? ये होता है अग्रिम सेवा का। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है ना। कुछ लोग ये बोलते हैं एंटीसिपेटरी है और कुछ लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव सेवा है, यानी कि पूर्व प्रभावी सेवा है, कुछ अग्रिम सेवा बोल रहे हैं। तो कमीशन किसको इसमें लेगी ये देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 125 ये एक बार हम लोग जो है वो आंसर की जब आएगी वहां से एक बार मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। नेक्स्ट आइए, फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, गेटवे कहा जाता है, ठीक है। किसी भी चीज को, कंप्यूटर को छोड़िए, आप किसी भी चीज को अगर आप कहीं से जोड़ते हैं तो जोड़ने की जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो ASCII जो है ये ASCII जो है ये प्रोटोकॉल नहीं होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट आइए, इन्फ्लॉपनेट इज अ क्या है? ये है सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क। क्या है ये? सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य संपादन की दिशा में सही क्रम है? कौन सा कार्य संपादन की दिशा में सही क्रम है? तो पहले चयन करेंगे, अधिग्रहण करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, उसका फिर प्रसरण करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है? यानी कि क्वेश्चन देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द कैटलॉग कॉल्ड इन विच एंट्रीज रिलेटिंग टू द ऑथर्स टाइटल सब्जेक्ट इटीसी ऑफ द बुक्स आर अरेंजिंग अल्फाबेटिकली? यानी कि जब आप अल्फाबेटिकली रूप में जो है उसको अरेंज करते हैं तो उस सूची को क्या कहा जाता है? उस सूची को हम कहते हैं शब्दकोशी सूची, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग?
डिक्शनरी कैटलॉग, डिक्शनरी कभी देखा आपने? डिक्शनरी में जो चीजें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, वर्णात्मक रूप में जो है वो अरेंज करते हैं, अल्फाबेटिकल जो है वो अरेंजमेंट वहां पे होते हैं, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या आएगा, शब्दकोशीय सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रबंध का कौन सा स्तर नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये होता है मध्यम स्तर। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 132 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डेटाबेस के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को क्या कहा जाता है? यह होता है रेफरल सेवा। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सूचना स्रोत को मुख्य रूप से दो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, कौन सी होती हैं? ये होती है वृत्त चित्र और गैर मुद्रिक, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन प्रिंट जो श्रेणी होती है उसमें जो है सूचना स्रोतों को विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट आइए, किसने एक प्रचांक सूचना कोश को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह के संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया? किसने किया? विलियम केट्स ने। ठीक है, विलियम ए केट्स ने जो है इसको परिभाषित किया। नेक्स्ट, CAS सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है? इन विच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज CAS कम्स, किस में आता है? अनुक्रमाणिक और सारकरण सूचना सेवा, यानी कि इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट आइए, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। अ ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेसेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इज नोन एज, क्या होता है ये? गैजेटियर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका के प्रकाशक हैं, हु पब्लिशेस यूनिवर्सिटी न्यूज पीरियोडिकल, किसने प्रकाशित किया? किसके द्वारा है? AIU के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, IHELIS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, क्या है इसका पूर्ण रूप? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये इसका पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन से कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय विकास के लिए सिफारिश किया था? बहुत ही इजी जो है ये क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन ने किया था। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार ने किया था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न में आते हैं, 141 नंबर, इंटरनेट सर्वर कहलाता है, इंटरनेट सर्वर इज नोन एज होस्ट, एक होस्ट के रूप में होता है इंटरनेट सर्वर। नेक्स्ट, स्कोप्स है, स्कोप्स क्या होता है? सार और उद्धरण डाटाबेस होता है। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट एंड सिटेशन डेटाबेस। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कंप्यूटर के जो प्रश्न आपके आए हैं इस पेपर के अंदर वो जनरल कंप्यूटर से ज़्यादा आ गए हैं, यानी कि जो कंप्यूटर का जो जनरल वाला पार्ट आता है उससे ज़्यादा आए हैं। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स, लाइब्रेरी से रिलेटेड, लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड, इनसे तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन है ही नहीं, सब डायरेक्ट डायरेक्ट बस कंप्यूटर का जो है वो हिस्ट्री और कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स, यूजेस, उनसे ही जो है ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर नहीं है भाई, प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। कोई लाइब्रेरी नहीं पढ़ रहा होगा, किसी नॉर्मल इंसान से भी पूछ दो, साइबर कैफे चलाने वाला भी इंसान इसको बता देगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया? विच लाइब्रेरी वॉज मर्ज विथ इंपीरियल लाइब्रेरी, कौन सा है? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कैलकटा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? विच वन इज द इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ इंटरनेट, सभी जानते हैं, सभी प्रयोग में लेते हैं, तो ये क्वेश्चन तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आते हैं। GMG इन
AACR सेकेंड स्टैंड फॉर, यानी कि GMD को AACR में सेकेंड में निरूपित किया जाता है, क्या कहा जाता है? जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः पुस्तकालय सूची है, क्या होती है? एक पुस्तक की पुस्तकों की सूची। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है? यह है सूचीकरण। अगला क्वेश्चन, सर्वान वर्ण सूची यानी कि शब्द को सूची में सम्मिलित की जाती है, किसको सम्मिलित की जाती है? वर्णानुक्रम में सभी प्रकार की प्रविष्टियों को, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है? विच इज नॉट द इनर फ्रॉम कैटलॉग, कौन सा नहीं है सूची का पुस्तक स्वरूप, ठीक है ना। सूची का जो पुस्तक स्वरूप होता है वो इनर स्वरूप नहीं होता है, उसको जो है वो आउटर सोर्स के रूप में जो है वो जाना जाता है, ठीक है। ये जो है आपके 150 क्वेश्चंस थे जो अभी 19 सितंबर को एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए थे। अब इन पूरे क्वेश्चंस को जो है हमने पूरा का पूरा जो उसके आंसर्स की है उनको मिला लिया है। उन आंसर्स की को मिलाने के बाद आपने देखा कितने क्वेश्चंस जो है हमारे आ रहे हैं, जो हम लोग जो है उसको डाउट में रख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, दो क्वेश्चन हो गए, देन एक यहाँ भी है, तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ है, चार और पांच क्वेश्चन हो गए, एक यहाँ पे छह सात क्वेश्चन हो गए, सात क्वेश्चन है आई थिंक, क्योंकि स्टार्टिंग में तो डाउटफुल क्वेश्चंस थे ही नहीं, जीके के अंदर तो डाउटफुल थे ही नहीं कुछ भी, ठीक है। सात क्वेश्चन है, सात क्वेश्चन को हम लोग रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेरिट की, ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब मेरिट की बात करते हैं। हमने 150 क्वेश्चन जो है वो किया, ठीक है, इनमें से हम सेवन क्वेश्चंस को एक बार क्या करेंगे, आउट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम कितने क्वेश्चन पे अभी जो है वो आ रहे हैं, 143 क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस पे आ रहे हैं हम लोग, 143 क्वेश्चन पे। और 143 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मार्क्स कितने हो जाएंगे इसके, 284 मार्क्स, ठीक है ना। 143 क्वेश्चन और 284 मार्क्स अभी हमारे पास हैं। अब जो पेपर था, मैं बार बार आपको बोल रही थी कि पेपर बहुत इजी था, और मेरे हिसाब से बहुत इजी पेपर था, बिल्कुल भी टफ नहीं था, ना तो घुमाने वाला था, ना ही आपको कंफ्यूज करने वाला पेपर था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, फैक्टुअल फैक्ट बेसिस क्वेश्चन थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जो बढ़िया तरीके से तैयारी करके गए हैं, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चंस भी वो गलत करके आ जाते हैं। तो यही सिचुएशन जो है वो लोगों के साथ बनी है, एक प्रॉब्लम ये रही। दूसरी प्रॉब्लम ये रही, आपकी जो मानसिक स्थिति है साइकोलॉजिकल रूप से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन जस्ट एक दिन पहले जो है न्यूज़ चैनल वालों ने जो न्यूज़ चलाया कि पेपर आउट हो गया, पेपर बिक गया फला ढिमका, उस साइकोलॉजिक जो है वो परिघटना से बहुत सारे स्टूडेंट्स की मन स्थिति खराब हुई, और कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस में ये फ़र्क भी देखने को मिला। उनका ये कहना था कि मतलब हम लोग तैयारी करके क्या करेंगे, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल लग गए हमें तैयारी करने में, और पेपर जो खरीद लेगा वही जो है इसमें सक्सेसफुल होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज वहां पे वो हुए, और उसका प्रभाव जो है पेपर में उनके परफॉर्मेंस पे पड़ा है। जो कि अगर मैं देखूं तो जस्ट एक दिन पहले जिस ऑडियो की बात की जा रही थी, वो ऑडियो अगर आप देखें, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं तो शायद व्हाट्सएप ग्रुप में 3-4 दिन पहले से ही चल रहा था, लेकिन न्यूज़ चैनल वालों ने जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले, वो भी शाम को, इस वीडियो क्लिपिंग ऑडियो क्लिपिंग को क्यों इतना रिलीज किया, जिसमें अभी पता भी नहीं है कि वो किसने किससे क्या बात की, अभी किसी को मतलब मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कौन पकड़ा गया, क्या हुआ, उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई, अभी तक उस पर किसी
किसी भी प्रकार की बात नहीं की गई, लेकिन फिर भी इस तरीके की जो घटनाएं हुई या इस तरीके के जो कार्य हुए उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं। और उसके बाद जो पेपर हुआ है, जितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, जिन बच्चों ने कहा कि 135 करके आए हैं, जो ये कह रहे हैं कि 140 करके आए हैं, जिन्होंने कहा 125 करके आए हैं, अगर वो ठीक ढंग से अगर अपनी आंसर की को मिलाने की कोशिश करें तो वो ले दे करके जो है वो बहुत कम पे आ जाएंगे, यानी कि बहुत कम क्वेश्चंस पे आएंगे, उनके माइनस मार्किंग जो है वो ज्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जा सकती है वो जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल जो है 215 नंबर से 225 नंबर के बीच में होगी। ठीक है, जनरल की अगर हम लोग बात करें तो 215 नंबर से 225 नंबर के बीच में ही होगी। 10 नंबर का प्लस माइनस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो 7 क्वेश्चन हमने छोड़ रखे हैं उन 7 क्वेश्चंस में अगर कुछ घटता है, अगर कुछ बढ़ता है कमीशन के आंसर की के अकॉर्डिंग, तो ये हो सकता है इसमें मर्ज हो जाए। देन हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 205 से 215 की बात आती है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में अगर मैं आपको बात करूँ तो 190 से लेकर के 210 के बीच में ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स जो है वो आ सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एसटी की तो एसटी वाले स्टूडेंट्स जो है वो 175 से लेकर के 200 के बीच जो है 175 से लेकर 185 के बीच में ये हो सकते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ एसटी की जो है अगर मार्क्स की कैटेगरी की मैं बात करती हूँ तो ये स्टूडेंट्स 160 से 170 के बीच जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आपने इतना किया है। ये जो है कट ऑफ जो है जो मेरे पास रिव्यू प्राप्त हुए हैं आप लोगों के, जो आप लोगों ने किया है और जो आंसर की मेरे पास पड़ी हुई है, पेपर का पैटर्न है, उसकी पूरी एनालिसिस है, उसको देखते हुए जो है ये मेरे हिसाब से हो सकता है इसमें प्लस माइनस थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं। वो जब आंसर की और आएगी फाइनल आंसर की कमीशन की तो उस पर शायद हम लोग उसको देख करके क्या क्वेश्चन के क्या ऑप्शन उन्होंने माने हैं शायद और अच्छे से हम लोग उस पर चर्चा कर पाएंगे। तो बस अब वेट रहेगा कि आपके आंसर की जो है वो कब रिलीज करती है कमीशन, एंड आप लोग इसको मिला लें और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।